তো কিতা বন্ধুরা কিতা হবার আজকে নতুন একটা ভিডিওর মধ্যে তোমরা সবরে স্বাগত। তো আজ এক চ্যালেঞ্জ হোনে বালা হ্যায়, তো আজ কা চ্যালেঞ্জ ক্যা হ্যায়, তো সব কিছু হই মা আসলে চ্যালেঞ্জটা উইতা। তো আজকে চ্যালেঞ্জটা কিরকম ওয়ে না ওয়ে আর কমপ্লিট করতে পারি কি না পারি সব কিছু দেখাই মো। তার আগে বন্ধুরা হয়ে নি তোমরা যারা এখনো আমার সেও না, আমি পূজা, তোমরা দেখা এস টি পূজা ব্লগার চ্যানেলের ভিডিও। তো চলো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা শুরু করি। তো আজ মে এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এক সাথ দো দো চ্যালেঞ্জ করনে বালি হো। তো ও দো দো চ্যালেঞ্জ ক্যা হ্যায় ও বাতাতি হো। পেহলে किसी एक भैया ने मेरे को चैलेंज दिया था कि आप एक वीडियो पूरी हिंदी से करो, हिंदी से बातें करके चैलेंज करो। चैलेंज क्या, ये मेरे लिए चैलेंज था कि एक वीडियो हिंदी से करो। और इसके साथ और भी एक चैलेंज था, वो भी एक भैया ने दिया था कि जो कुमारकट का एक मंदिर होता है वो दिखाओ। तो आज वो दोनों चैलेंज मैं एक साथ करने वाली हूँ। तो ये चैलेंज कैसा होता है ज़रूर देखते रहना एंड तक, और कमेंट में ज़रूर बताना मेरा हिंदी कैसा है। इतना अच्छा हिंदी तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ वो चैलेंज की वजह से। मेरा भाई मेरे को आज कह रहा है कि मेरे को बहुत खूबसूरत लग रही है, तो मेरे को तो पता नहीं लग रही है कि नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि नहीं कुछ भी नहीं। पहले मेरे को हिंदी नहीं आता, ये हाँ हम दोनों को भी हिंदी नहीं आता, इसलिए इस वीडियो में जो भी हम गलतियाँ करेंगे माफ़ कर देना। हम दोनों कहने वाले थे कि हम भाई बहने क्या खूबसूरत लग रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना यार, ये मेरा प्यारा सा भाई है। बिल्कुल प्यारा सा भाई है, लेकिन खूबसूरत बिल्कुल नहीं लग रहा आज में, क्योंकि लेकिन इसका दिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, फिलहाल के लिए खूबसूरत की बात को छोड़ो। वाला जो आज का जो वीडियो होने वाला है, तो ये भी एक भैया ने चैलेंज दिया था बहुत पहले, तो इसलिए ये करने जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ सब कुछ आगे जाके बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, और अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मैं घर से निकल के मैं आ गया हूँ, मेरे पास में जो बाज़ार पड़ता है वो है कदमतला। और आज मैं और मेरा बहन सेम पहने हैं, तो इन दोनों की बात मैं कह रहा था कि ये दोनों भी हमारे साथ जाने वाले हैं। इसके लिए हमारा टीम ये है और हम चारों जा रहे हैं। हम दोनों भाई भाई, ये बहन नहीं है भाई, भाई भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम सेम ड्रेस, सेम सेम। हां, हम दोनों का भी सेम है। अभी तो हम लोग जहाँ जाने वाले इसके इधर जाने के लिए चढ़ाई वाली स्टेशन पे आ गए हैं हम। तो यहाँ पर अगरतला से शिलचर जाने वाली ट्रेन आ चुकी है। बम्बई क्या लग गया तेरा खाउजर? चलो इस ट्रेन से हम जाने वाले हैं। इधर हम लोग ऐसे ट्रेन को पकड़ते हैं। ओके, ना उठने के बाद ये दोनों की हालत कुछ ऐसी है। हम लोग हमारी मंजिल पर आ चुके हैं। इतना गर्मी होगा आज, पता नहीं था, होता तो आज नहीं आते। और ये है कुछ कुमारगढ़ का स्टेशन का बाहर का लुक। अब हम लोगों को जहाँ जाना है उधर जाने के लिए टुक टुक पकड़ना पड़ेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं क्यों ना पैदल ही चले जाए। क्यों भाई? पैदल ही जाएंगे गाइस, क्योंकि पैसा नहीं है। क्योंकि हम जहाँ जाने वाले हैं वो स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, शायद 2 किलोमीटर। और पैदल जाने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 25 मिनट्स शायद। तो 25 मिनट्स जा सकती है पैदल चल के, जा सकती है ना, क्योंकि ये ऐसा कह रही है क्योंकि आज हम लोगों के पास पैसे नहीं है, एक भी पैसा नहीं है, भिखारी हम, भिखारी रास्ते। और हम लोग इसी से मजा करते हैं क्योंकि पैसे है? कुछ ना है, कुछ नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पैसे जमा कर फिर घूमने चलेंगे, लेकिन हम लोगों के किससे कुछ अलग है, क्योंकि घूमने निकल जाओ पैसे हो या ना हो। हाँ, ये बात सही है, पैसे हो या ना हो घूमने निकल जाओ। तो हम यही सोच कर निकल गए घूमने के लिए, तो पता नहीं अभी क्या होने वाला है क्योंकि पैसे तो नहीं है। भैया सामने है ट्रेन, तो मेरे को कुछ खरीद कर देगा, क्योंकि इधर का जो भी होता है बहुत महंगा होता है। मुझे पता है, इसलिए तो मैं, मेरा कितनी बिजनेस का बेच लो तो देगी, कितनी बेच लो गाइस, मेरे को एक टी शर्ट दे दे उधर से। इतना इतना धूप और गर्मी में घूमने का मजा ही कुछ अलग है, कुछ बहुत ही अलग। हाँ, बहुत ही अलग, लेकिन इन दोनों को शायद पता नहीं चलेगा क्योंकि इन दोनों के पास तो ये छतरी है इसलिए, लेकिन हम दोनों को बहुत मजा आ रहा है। जिंदगी घूमने के लिए बने और घूम, हाँ, चाहे धूप हो या बारिश। वो मैंने पहले वाले वीडियो में भी एक कुछ ऐसा ही बोला था यार।
मिस्ट्री दुकान है, पता नहीं। तो हम लोगों को जहाँ आकर पहुँचना था हम पहुँच गए। फाइनली हम आ चुके हैं। मेरा पेज है उसमें चैलेंज ये था कि ये बोबो तारिणी मंदिर को दिखाओ, वो जो कुमारघाट में होता है, तो वही देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग आ गए। तो हम लोगों ने तो एंट्री कर ली, उधर में एंट्री गेट था और पैदल चल के आने का मतलब ये था क्योंकि हम लोगों ने 10 रुपये सेविंग कर लिए। हाँ, 10 रुपये बचा लिए। हाँ, और उसके बाद 10 रुपये दे दिए फिर से। तो इस सेविंग्स का क्या मतलब? हाँ, ये नहीं सेविंग्स हुआ है, हमारा बॉडी का सेविंग्स हुआ है, हमारा मतलब कैलोरी बर्न हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि हम लोग इस मंदिर में पहले आए हैं, तो इस मंदिर में क्या रूल्स वगैरह है हम लोगों को तो नहीं पता, जैसे कि हम और भाई को नहीं पता, तो इसलिए हम इस मासी जी के पास आए हैं और उनसे पूछा कि अभी क्या हम पूजा वगैरह दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ दे सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ खरीदारी करने के लिए आ गए। ये सब कॉन्सेप्ट है, धूप पाटी मोमबत्ती ये सब कुछ लेना पड़ता है, अगरबत्ती वगैरह। अच्छा, चलो अभी पूजा देते हैं, फिर मेरा खुद का नाम ही पूजा है। तो अभी तो शायद पूजा चल रही है अंदर, इसलिए गेट वगैरह बंद है। और इधर में है कुंज, कुंज को क्या हिंदी में क्या कहते हैं बता? मंडप है, मंडप। अच्छा, इधर है एक शादी का मंडप और हम सोनाली को कह रहे हैं कि तू शादी कर ले, तो सोनाली भी सोचने लगी क्या शादी कर ले ये है? जमाई दुला। अच्छा, दूल्हा नहीं है, ओ तो हम ढूंढ लेंगे। उधर हम पार्क में जाएंगे ना तो बहुत सारे दूल्हे मिल जाएंगे तेरे लिए। तो सोनाली के लिए दूल्हा ढूंढने को हम बाद में जाएंगे, पहले इस मंदिर को हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। मेरे को तो पर्सनली ये मंदिर बहुत अच्छा लगा, और कौन कौन का घर इस मंदिर के पास में है वो ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को पता है कुमारगढ़ से बहुत लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो उन लोगों को सारे को थैंक यू देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपका कुमारगढ़ जाकर मेरे को। और इस मंदिर के पास में ही था एक पार्क जिसका नाम है इको पार्क, तो इस पार्क में ही हम जाने के लिए इधर सिग्नेचर कर रहे हैं क्योंकि टिकट वगैरह हमने ली है, तो वो टिकट लेने के बाद सिग्नेचर करना पड़ता है। मंदिर से आने के बाद अब हम लोग चले पार्क को देखने के लिए, और फिलहाल के लिए ये 4 टिकट है क्योंकि हम 4 है, इसलिए इधर का टिकट 10 रुपीस पड़ा है। तो 10 रुपीस में क्या क्या देखने को मिलता है ये देखती हूँ पहले। हाँ शायद वो कह रही है कि हमारा कॉलेज में, कॉलेज के साथ में एक पार्क था वो, तो उस वाले पार्क में हम दोनों गए थे। क्या कितने रुपीस से? 20। हाँ 20, उस पार्क का टिकट 20 रुपया था, तो 40 रुपये से हम दोनों गए थे। और जाकर जो देखा भाई, वो वीडियो तो वायरल हो गया था क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम का नाम है HD Bujja Vlogger, तो चाहे तो वो भी फॉलो कर सकते हो। उस वाले में हमने डाला था ये रील्स बनाकर उस वाले पार्क का, जो लोग छतरी लेकर बैठे थे। तो पता नहीं इस वाले पार्क में क्या क्या दिखने में को मिलेगा ये 10 रुपये में, तो चलो देखते हैं। जैसे कि ये कुमारघाट है, तो इस पार्क में अंदर लिखा भी है आई लव कुमारघाट। इधर पता नहीं लोग मेरे नाम से भी कब लिखेंगे आई लव पूजा। ओह माय गॉड, इस पार्क में इतना शांति क्यों है भाई? क्योंकि ये पार्क अच्छा है। हाँ, अभी तक के लिए तो लग रहा है ये पार्क अच्छा है क्योंकि ये मंदिर के पास में है, लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या होगा। लोगों के इतने प्यार देखने के बाद मेरे को तो क्या दर्द होने लगा, पता नहीं मेरा प्यार कब आएगा। जिन भाई ने मेरे को ये चैलेंज दिया कि ये वाला मंदिर दिखाओ, तो क्या बताऊँ, उस भाई का नाम तो मैं भूल गया, लेकिन बहुत सारी थैंक यू उन भाई को जो जिन्होंने ये चैलेंज दिया, क्योंकि इधर आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हाँ मेरे तरफ से भी बहुत, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो क्या बताऊँ इस बात के बारे में, जहाँ भी क्या कह रहे थे भैया कि हम लोग इधर से जिधर से गए थे उधर से बैक कर लिया, क्योंकि उधर के उधर पर जाने के बाद हमने कुछ नजारा देखा, तो उस नजारे को देखने के बाद हम दोनों ने सोचा क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, ठीक है ना भाई, परेशान करना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि लोगों को परेशान करना बुरी बात है। हाँ, क्योंकि लोग भी 10 रुपये से पार्क में घुसे हैं। हाँ। 10 रुपये देकर पार्क में घुसे हैं, तो इसलिए हम लोग उधर से चले आए और आके ऐसे ही हम लोग बक बक करने लगे। और जहाँ भी जा रही हूँ सिर्फ ये प्यार ही दिखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा ये प्यार देखने के बाद, क्योंकि लोगों का प्यार देखने को अच्छा ही लगता है, पता नहीं खुद का प्यार कहाँ है।
और अभी ये दोनों रह गए इधर नीचे में, तो मैं कह रही हूँ इधर आ जाओ, इधर बहुत सुकून है। सुकून तो हर जगह ही है, लेकिन फिर भी इधर अच्छा लग रहा है। तो आज के वीडियो बंधुरा तुम्हारे कीरकम लागसे ना लागसे अवश्य कमेंटो जानाइयो, और चैलेंज आदे कमप्लीट करते पारसी कि ना पारसी इटाओ कइयो। और हिंदी हमें कईते पारि ना पाई अतटा, तो जान ना कीरकम कितना कईसी, भूल किच्छु इले अवश्य क्षमा करिया दियो। আজকে লাগে ভিডিওটা আসলে অতটুকু, দেখা হবো নতুন কোনো ভিডিওর মধ্যে নতুন কোনো জায়গা তার নতুন কোনো কিছু নিয়ে। ততক্ষণ লাগে টাটা, বাই বাই।